खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां बिशप पीसी सिंह के यहां छापे के मामले में वीडी शर्मा का बयान सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, जबलपुर में इससे पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। एमपी के कई और जगह ऐसी हैं जहां जबलपुर जैसे मामला है, जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं। इनके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी दी गई हो अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है, आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए, क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुणा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया, ऐसी भी चीजें, तो एक नहीं ऐसी बहुत चीजें निकलेंगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इस प्रकार के जो संस्थान हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी कई प्रकार की अनियमितताओं से इस प्रकार से भरे हुए एजुकेशन। तो सुना आपने, वीडी शर्मा साहब ने साफ तौर पर इन संस्थानों को लेकर भी आरोप लगाया है, सवाल खड़ा किया है। विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। विवेक, जबलपुर में जो बिशप पीसी सिंह के यहाँ छापे पड़े हैं, छापामार कार्रवाई हुई है, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो बयान दिया उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल पारुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के जबलपुर की, तो जबलपुर में जिस प्रकार से ईओडब्ल्यू ने रेड मारी है उसको लेकर अब जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमाने लगी। मगर बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की, तो विष्णुदत्त शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से एमपी के कई हिस्से हैं जिस पर इस प्रकार की गतिविधि चल रही है वहां पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। और साथ ही बात की जाए एजुकेशन की, यदि बात की जाए तो एजुकेशन के उद्देश्य से जमीन लेकर किसी और के काम की जा रही, तो ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं की जानी चाहिए। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर ईओडब्ल्यू ने ऐसे काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा और कार्रवाई की, जो कार्रवाई करके उन पर जो मामले हैं वो दर्ज करते ईओडब्ल्यू नजर आए। मगर बात की जाए बीडी शर्मा की, तो बीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जांच होना जरूरी है। जी बिल्कुल, जांच होनी जरूरी है। अब ये जांच ईओडब्ल्यू की जांच तो शुरू हो गई है, छापामार कार्रवाई की गई है, अब आगे कहां तक पहुंचता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।